और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आगरा के किले में शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाया गया। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। दरअसल बताया जाता है कि औरंगजेब ने आगरा के किले में शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था। किसी तरह से शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से बाहर निकले। आगरा किला जिसमें शिवाजी को कैद किया था, वहीं शिवाजी महाराज का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इस बार दूसरी बार जन्मदिन आगरा के किले में मनाया गया। किले के अंदर लेजर लाइट के जरिए शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े इतिहास के बारे में बताया गया और आगरा किला और शिवाजी महाराज से जुड़े इतिहास बताए। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने औरंगजेब को ललकारा था, वहीं पर ये शिव जयंती होना ये हमारे सभी लोगों के लिए गौरव की बात है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह साहब और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हमें ये शिव जयंती मनाने का अवसर दिया है। इसलिए मैं उनका अभिनंदन भी करता हूँ और हमारे सांस्कृतिक विभाग के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार जी और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और जिन्होंने आयोजन किया है ये विनोद पाटिल और उनके सभी सहयोगी, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगरा में शिव जयंती हो रही है, ये हमारे लिए सबके लिए सौभाग्य की बात है। ये दूसरी बार है, ये बार बार होगी, ये दूसरी बार शिव जयंती होगी, ये अगली बार भी होगी, हमें निश्चित रूप से यहाँ पर अवसर मिलेगा। केंद्र की सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे भारत वर्ष के आराध्य है और हमें तेज और ओज उन्हीं से मिलता है और स्वतंत्रता की जो सांस हम लोग ले रहे हैं इसका बीजारोपण भी छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने किया था। इसलिए इस ऐतिहासिक स्थली पर हमारे विनोद पाटिल जी ने जो एक कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और केंद्र सरकार को और यूपी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।